बकरी तो हमको मिला है ये वाण। हाँ, दिखन को, दिखन को वाण। तो ये वाण काम आता है जैसे कि खीरे, तोरी, इस तरीके के जो पेड़ लगने वाली चीजें होती हैं। तो हमारे घर पे काफी सारे पेड़ हो चुके हैं जिनको हम छुपक बोलते हैं। तो हमको मिला है ये सूखा हुआ पेड़ फटावा, एज अ वाण हम इसको यूज करेंगे। हम कोई भी ग्रीन पेड़ नहीं काटते हैं, ग्रीन पेड़ काटना गलत बात है। जो भी आपको सूखे हुआ मिलता है उसको आप ले जा सकते हैं, या आपको ग्रीन वाला चाहिए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आप काट सकते हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं इसको तोड़ने की। वाण हो गया हमारा तैयार। ये मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें लगेंगे हमारे तोरी, चिचंडे, खीरा और भी काफी सारी चीजें। अब इसको सड़क तक घसीटना है। कुथल्ड नहीं हुआ ना अभी नहीं। तो ये सामने आप देख सकते हैं, इधर जो लोग ये ऐसे आग डालते हैं काफी जगह आग लगी। तो अब तो बुझ गई है, अब पिछले दिनों में बारिश भी हुई तो जिसके कारण आग ज्यादा नहीं फैली। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ऐसे आग लगा देते हैं। तो आग लगाने वालों के लिए इतना सा मैसेज है, जिस दिन पकड़ में आ जाओगे किसी की, लपेटे जाओगे लंबे, तो कृपया ऐसा काम ना करें जिससे कि काफी नुकसान होता है। ये यहाँ पे भी लगी आग। ये दादी बताने वाली हर एक घास के बारे में, किसका न क्या नाम है और क्या काम आता है। ये बहुत अच्छी होती है भैंस, गोर खाना नहीं है सर। अब सो ये खबसा घास बहुत अच्छा हूँ, हमारे गोर हमारे भैंस खाना दूध देना। पालू है, पालू पाल का पेड़ है, पाल दशा में गाय भैंस। अच्छा फिर बकरी खाना गेंटिलिया। इसको कौन खाता है? भैंस, बकरी सब। अच्छा मीठ मीठ दाना होते हैं बढ़िया। और ये क्या है? बंजिरिया घास होंगी बहुत भैंस जो कि कपड़ों में लगता है। ये है रुईन। घास होंगे एक भी घास होंगे, पाल भी होना, पाल भी घास भी होंगे। एक नाम क्या है? अरे भीमड़ा घास। ये भीमड़ा घास बहुत अच्छी घास, धनी काम हो घास काम भी हों, पूजा काम भी हों, बहुत अच्छी काम होंगी, बहुत बहुत अच्छी चीज है यार। ये कुंजू कह को ब्याह शादियों में भी लोड़ बाल भी होने तभी कुंजाड़ी भी बहुत अच्छी घास होंगी। नंद फिराड़ी को बहुत घास होंगी, बंगारा है बंगारा। ये चौदानी घास होंगे हमारे, बहुत अच्छा घास है ये, भैंस को गौड़ी की बहुत अच्छा।